सन 1949 से पहले जितने भी बने हुए कानून हैं आज से रद्द समझे जाएंगे, वो कानून जो है लागू नहीं होंगे। लेकिन ये देश की विडंबना है कि पुराने पुराने कानूनों को आड़ लेकर हमारे लोगों को तरह तरह से जो अधिकार मिले हुए हैं वो छीनते जा रहे हैं। साथियों, अभी बात हो रही थी शिक्षा की, हम तो काफी शिक्षित हो चुके हैं। हम चूंकि केंद्रीय कर्मचारी हैं, मैं रेल डिपार्टमेंट में काम करता हूं, 1,00,000 पोस्ट निकला हुआ है, 2.5 करोड़ एप्लीकेशन आए। साथियों, 10,000 अध्यापकों के लिए पोस्ट निकल रही है, 9,00,000 एप्लीकेशन आ रहा है। तो साथियों, ये हमारे पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं, 1977-78 का दौर था जबकि 3-3 बार एम्प्लॉयमेंट न्यूज में छपता था ये कर्मचारी अपने जो है ये अभ्यर्थी जो अपना फॉर्म भरे, रोजगार की वो स्थिति थी कि कर्म हम लोग मिलते नहीं थे। आज वो पोजिशन है कि पद कम हो गया, हम ज्यादा पढ़ गए। इसके अतिरिक्त मैं आ जाता हूं, मैडम वर्मा ने बात कही थी, ये केंद्र सरकार ने विनियम मैनेजर के तहत जो भी है वो सन 2018 में जनवरी 18 में मिनिमम वेज एक्ट लागू कर चुकी है और उसका रेट भी निर्धारित कर दिया है, इंश्योरेंस के भी प्रीमियम के लिए भी वो निर्धारित कर दिया है, सेल्स चार्जेस के साथ साथ उनके खाते में पैसा जमा करने के लिए भी सब हिदायतें दे चुकी है। लेकिन लागू कौन करे, उसको चुने कौन, जो ठेकेदार अपॉइंट करेगा और रजिस्टर्ड लिस्ट ऑलरेडी लेबर कमिश्नर को भेजेगा, वो भी कार्य नहीं हो रहा। अब इंश्योरेंस की बात रही, जब इंश्योरेंस उसका ठेकेदार नहीं कराएगा तो उसको मिलने वाली भविष्य की बेनिफिट कहां से मिलेगी। इसके अतिरिक्त सन 2004 से आपके जो नए व्यापारी है वो नई पेंशन स्कीम के तहत दौड़ हो रहे हैं, वो पेंशन 60 साल पूरा करने के बाद जो है वो पेंशन नहीं पाएंगे। तो हर तरीके से गवर्नमेंट का जो है इशारे आपके प्रति है, आउटसोर्सिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमारे रेल में आउटसोर्सिंग खुल करके शेड्यूल ऑफ पावर में दे दिया उसके कि लेबर सप्लाई लीजिए, ठेके पर लीजिए, आप अपॉइंटमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लेबर लीजिए, सफाई वाला लीजिए, मशीनरी लीजिए, व्हीकल लीजिए, गाड़ी लीजिए, ड्राइवर कर सकता है, मशीनरी कर सकता है, पूरा आउटसोर्सिंग खोल के करिए। तो साथियों, हमारी आने वाली पीढ़ी की भविष्य बहुत खतरे में है और उस खतरे को भांपते हुए हर बिंदु को आगाह करते हुए अपने समाज को मार्गदर्शन देना है और बताना है। यह मंच इसलिए बना हुआ है कि हम अपने देश के कोने कोने में अपने विचारों को रखें, हमारे जो एकता मंच का जो पैड है उस पैड पर हर कोने में चिट्ठी लिखें, डीएम को लिखें, एसपी को लिखें, शासन को लिखें, प्रशासन को लिखें, इस पैड को चलाएं, देखिए उसके रिएक्शन और रिएक्शन क्या आते हैं। तो साथियों, हमारे अभी मीडिया भाई साहब ने जो बताया, मीडिया के तहत अंदरूनी जो है बाहर के कुछ और हो रहा है, भीतर और कुछ हो रहा है। हम लोग चूंकि प्रशासन में काम करते हैं, हर बातों को कह नहीं सकते, हर बातों को बता नहीं सकते कि प्रशासन कितना हमारे लिए क्रूर बन चुका है, उसका दिल पिघलने वाला नहीं। यह प्रशासन कहता कुछ है, करता कुछ है। आप अपने एप्लीकेशन को देख कर देखिए, आपके एप्लीकेशन पर क्या कार्रवाई होगी, कुछ नहीं, कमीशन ढकोसला है, जो भी आयोग बने हैं सब ढकोसले हैं। अभी ओबीसी आयोग बना हुआ बना है, जो एससी एसटी कमीशन के बराबर उसने दर्जा दे दी, जबकि उसका स्ट्रक्चर अलग है, मेरा स्ट्रक्चर अलग है, दोनों की बातें अलग है, दोनों की सामाजिक स्ट्रक्चर अलग है, आर्थिक स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन कायम ने दोनों को इक्वल हम कर रहे हैं, बराबरी का दर्जा दे रहे हैं। तो साथियों, हमारे राहुल साहब ने जो कहा वॉल पेंटिंग स्टार्ट कर दें,
और जो डॉक्टर अम्बेडकर एकता मंच का पैड है उस पर अवश्य जिस हैसियत से हो सदस्य के हिसाब से सदस्य के हिसाब से लिखे, पदाधिकारी है तो पदाधिकारी के हिसाब से लिखे, जिस हैसियत से हो उस हैसियत से प्रशासन को जरूर पत्र लिखे। कहीं सड़क पर किसी जगह पर कोई भी बात हो रही हो उसको जरूर उठाए। साथियों से मुझे ये सन 2001 की बात बता रहा हूं। अचानक मैं दोस्त मिलने गया, अच्छा सेवानगर में गए, देखा स्टेशन में बहुत सुनसान था। उसमें लोगों ने कहा जैसा बता दिया लोगों ने कि रेल के हैं ये, आप इनसे बात करो। मैंने अगले दिन उठा उठ करके एप्लीकेशन लिखी और लिख करके मिनिस्टर को और सबको जाके दबा दी। तो साथियों उसमें क्या हुआ, CPWD ने उसकी पूरी सड़क बनाई, लाइटिंग दी, वहां नल की व्यवस्था करी कराई। जब कर करा दिया तो लोगों ने थैंक लेटर मेरे घर भेजा कि भाई साहब आप आए, हमारे लिए भगवान होकर के आए और ये हमारा काम हो गया। तो साथ हम तो कैसा काम करें कि जो समाज को दिखे कि हाँ मंच ये कार्य कर रहा है। इन्हीं दो शब्दों के साथ